हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम में एसयूवी से जा रही लड़की को दो दिन पहले गोली मार दी गई थी, उसकी मौत हो गई। आज मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान पूजा शर्मा लड़की का नाम, पूजा की मौत हो गई है। अपने दोस्त के साथ पूजा जा रही थी जिस वक्त उस पर यह जानलेवा हमला हुआ। 28 साल की पूजा को मंगलवार रात बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने गोली मारी थी। सिर में गोली लगी थी पूजा के। बाद में पूजा को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं बीती रात पूजा की मौत हुई। ये तस्वीर उस गाड़ी की जिसमें पूजा जा रही थी। तीन बाइक सवार जिन्होंने बहुत नजदीक से आकर गोली चलाई थी, गोली पूजा के सिर में लगी थी। पूजा को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बीती रात पूजा ने दम तोड़ दिया। अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली। देखिए, मंगलवार रात फ्लैट देखकर पूजा अपने दोस्त के साथ लौट रही थी। जिस गाड़ी से लौट रही थी उस गाड़ी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 65 में बदमाशों ने कार रुकवाई, खिड़की खोलने के लिए कहा और कार की खिड़की जब नहीं खोली इन लोगों ने तो बदमाशों ने बाहर से ही फायरिंग कर दी। बदमाशों ने गाड़ी पर फायरिंग की। शुरुआती जांच में पुलिस इस मामले को लूटपाट बता रही है, लेकिन रंजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। वो भी इनकार नहीं किया जा सकता रंजिश वाला एंगल। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, अभी तक कोई सुराग जो पुलिस के हाथ लगा इस मामले में? मनोज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बात करने की कोशिश करेंगे मनोज वर्मा से। वहीं ये निशान गोली के, जैसा कि अभी बताया मैंने आपको कि मंगलवार रात लड़की लौट रही थी और उस समय गाड़ी रुकवाई, उसकी शीशा खोलने के लिए कहा, उसने शीशा नहीं खोला गाड़ी का तो फिर गोलियां बरसा दी गई, फायरिंग कर दी गई। बीते कुछ दिनों में देखिए हरियाणा में लड़की को गोली मारने की दो घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ये पहली घटना जो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से सामने आई थी, जहां 28 अक्टूबर को कॉलेज में पढ़ने वाली निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निकिता की हत्या कॉलेज से लौटते वक्त की गई थी। इस मामले में तौसीफ रेहान नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अब गुरुग्राम में पूजा शर्मा की बदमाशों ने हत्या कर दी। कौन है आरोपी? पुलिस के हाथ अभी खाली। ये मामला सिर्फ लूटपाट का है या फिर इसमें किसी तरीके की साजिश रंजिश का एंगल भी जुड़ा हुआ है? पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है।